हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, ये आप मेरा अपराजिता की बेल देख रहे हैं। इस पर ये सुंदर सुंदर खूब फूल आते हैं, खूब भर भर के फूल आते हैं। देखो, सारे में ऊपर से नीचे तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। तो इस पर इतने सारे फूल लाने के लिए मैं इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपराजिता पर, इस बेल पर, ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लिए जाए। और इसके फूलों की चाय भी बनाई जाती है। फिर जब खूब सारे फूल होंगे तो फिर आप उसकी चाय भी बनाकर डेली पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले तो आप इस बेल की जो टिप्स होती है, जैसे ये टिप है ना, तो इन टिप्स को, जैसे जो भी खराब सी टिप होगी कोई भी हो, जैसे ये है मल्या, तो इन टिप्स को यहाँ से कट कर दो। तो क्या होगा, अब ये कट होगी ना तो यहाँ से इसमें से कई ब्रांचेस निकलेंगे और इसमें जो फ्लावर आता है अपराजिता में हमेशा यहाँ आता है एक्सिस में, इस लीव के साइड में आता है, यहाँ नोड से इसमें फ्लावर आता है। तो आप इसके लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इसमें जो सूखी हुई लीव्स है, जितनी भी, जैसे ये लीव सूख गई है ना कुछ में, और जो इसकी टिप्स है वो सब कट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो मतलब आपके प्लांट को फीड मिलेगा वो डायरेक्ट फ्लावर्स तक ही जाएगा, जो भी लीव्स वो बनाएंगे। उसके बाद होता है कि भाई, जैसे इसमें ये आ जाती है, फलियां आ जाती है, ये मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फलियां। तो इन फलियों को क्या करें, दो चार फली रख के, जैसे ये फलियां हैं, ये फलियां है ना, तो दो चार फली लगा रहने दो प्लांट के ऊपर, जो हमारे नेक्स्ट ईयर के काम आ जाएगा। बाकी उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट डे फ्लावर कट कर सकते हैं, या बाय चांस फ्लावर कट नहीं किया तो उसमें फली आ गई, तो उस फली को निकाल कर, काट कर आप निकाल लें। थोड़ी सी फलियां रखें जो आपका बीज का काम भी चलता रहे नेक्स्ट ईयर के लिए, और प्लांट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े उसे, क्योंकि उसे फल बनता है ना, तो इसे प्लांट को ज़्यादा उसे फूड देने की ज़रूरत पड़ती है फल को। अच्छा, एक है इसमें कि जैसे ये है हमारी मिट्टी है, ये तो ये इसकी जो मिट्टी होती है ना, ये भुरभुरी रहनी चाहिए थोड़ी, ये नहीं कि भाई खूब ज़्यादा चिकनी हो या वो हो। अब देखो, मैंने ना इसमें रात पानी डाला था, है ना, लेकिन फिर भी ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी ठीक है, बल्कि नीचे जो रिसेप्टेकल रखा था इसमें पानी है अभी भी थोड़ा थोड़ा। तो ये तो कुछ तो पॉइंट्स हो गए हैं आपके, जिनका आपको ध्यान रखना है कि भाई इस बेल के ऊपर आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लें। बात हो रहा है कि वैसे तो भाई ये जो बेल होती है ना, कहीं कहीं साल चलती है, चाहे आप 4 साल रख लो, 5 साल रख लो, बस सर्दियों में ये थोड़ी सी सूख जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई हर साल नई बेल लगा लें, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे प्लांट मिलेंगे, क्योंकि नए प्लांट होंगे। अच्छा, उसमें से अब ये जैसे ये है, ये तो इसमें से ये बीज निकलते हैं। आप इन्हें फलियों को संभाल कर रख लें और फिर नेक्स्ट आप जून के महीने में इन्हें बो दें, जून में या मई अप्रैल में कभी भी बो दें इन्हें सर्दियों के बाद, तो फिर आपकी ये बेल तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि आप नया प्लांट लगाएंगे तो उसमें पोटिंग मिक्स भी नया होगा, क्योंकि इसके जो पोट्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स तो बाहर ड्रेन आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आपका पोटिंग मिक्स भी नया होगा तो बेल खूब अच्छी होगी, ग्रीन एकदम हरी भरी, और फिर उसके ऊपर फ्लावर्स भी खूब आएंगे। तो अच्छा, अब बात रही और इसकी फर्टिलाइज़र की, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, तो इसमें इसे डालेंगे। इसमें डालने के लिए आप ये मिक्सचर तैयार करें। अच्छा, इस मिक्सचर में मैंने क्या लिया, ये तो सरसों की खली है जो सुखा कर अच्छी तरह और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और ये है केले के जो छिलके होते हैं ना, उन्हें खूब अच्छी तरह सुखा लो, पहले सुखा कर फिर उन्हें पीस लो मिक्सी में ही, और ये है राख। तो इन तीनों में क्या है, ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पोटाश और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, और जो हमारे प्लांट में फ्लावरिंग का काम करते हैं वो पोटाश और फास्फोरस ही होती है, और जो इसकी ग्रोथ का काम करते हैं वो होती है नाइट्रोजन। तो अगर हमें
किसी प्लांट को बढ़ाना, जैसे हमारे फॉलेज प्लांट है तो हम नाइट्रोजन वाला खाद ज़्यादा डालेंगे, और अगर हमें फ्लावर्स ज़्यादा लेने हैं तो फिर हम ये वाली खाद डालेंगे जिसमें पोटाश और फॉस्फोरस ज़्यादा हो। तो इसे बना लिया आपने, मिक्सचर तैयार कर लिया अच्छी तरह, और फिर इसमें यहाँ साइड साइड में से यहाँ से निकाल कर मिट्टी थोड़ी थोड़ी साइड में से इससे दूर रख के, है ना, ये चारों तरफ से मिट्टी निकाल कर फिर इसमें खूब सारी खाद दे, मतलब दो मुट्ठी खाद आप आराम से डाल सकते हैं इस प्लांट के अंदर। दबा देंगे इस तरह। अच्छा, ये प्रोसेस ना आपको एक महीने में एक बार जरूर करना है अगर आप चाहते हैं इस पर रेगुलर फ्लावर्स आए। अच्छा, और अगर इसको जैसे आपने डाल दिया, आज डाल दिया, तो क्योंकि ये स्लो रिलीजिंग वो है, जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक होते हैं ना वो स्लो रिलीजिंग होते हैं, उनमें से न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे रिलीज होते हैं मिट्टी के अंदर, तो फिर 15 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। इस तरह खूब आपकी बेल के ऊपर फ्लावर्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये ट्रिक? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह खूब अपने फ्लावर बेल के ऊपर भी खूब फ्लावर्स पाएं।